तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार एक सवाल काफ़ी सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या जो स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक चैनल होते हैं क्या वो यहाँ पर मोनेटाइज होते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि जो स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक चैनल है हम सभी लोगों के बीच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और जब भी कोई नया सॉन्ग आता है आपको कुछ टाइम बाद ही उसका एक स्लोव्ड प्लस रिवर्ब वर्जन देखने को मिल जाता है, जिस पर भी आपको काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम भी एक इसी तरह का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें जहाँ पर हम स्लोव्ड एंड रिवर्ब सॉन्ग अपलोड करेंगे, जो कि काफ़ी अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स के होंगे। तो क्या इस तरह का YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से इसी बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कंटेंट के बारे में कि एक्चुअल कंटेंट होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें यदि स्लोव्ड एंड रिवर्ब यूट्यूब चैनल के बारे में, तो इस पर तो ये भी विचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वाकई में ये एक ओरिजिनल कंटेंट है भी या नहीं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो स्लोव्ड एंड रिवर्ब यूट्यूब चैनल होते हैं इन पर जितने भी स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक्स होते हैं ये ओरिजिनली किसी के म्यूजिक नहीं होते हैं। अक्सर ये जो भी बॉलीवुड के या किसी एल्बम सॉन्ग के या किसी इंडिविजुअल किसी सॉन्ग जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं उन पर ही आपको ये जो स्लोव्ड एंड रिवर्ब सॉन्ग जो है वो देखने को मिलता है। और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर इसके क्रिएशन की, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क या डेडिकेशन भी नहीं होता है। आप किसी भी सॉन्ग को यहाँ पर उठाएं, उसको आप यहाँ पर जो है वो हल्का सा स्लो कर दें, जो भी उस सॉन्ग की प्लेइंग की स्पीड होती है उसकी आप प्लेबैक स्पीड को हल्का सा स्लो कर दें, और उसमें आप जो रिवर्ब इफेक्ट होता है आप उसमें जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्ब इफेक्ट ऐड कर दें। सॉन्ग की जो पिच होती है उसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दें, और आप यहाँ पर जो है वो किसी भी सॉन्ग को स्लोव्ड एंड रिवर्ब फॉर्म में जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर जो एक मेन कंटेंट है आपका वो पहली बात तो पूरी तरह से कॉपीराइटेड है, और इस पर आपका कोई खास हार्डवर्क भी नहीं है। भले ही इस पर आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएं, अब वो चैनल क्यों बनते हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी कंटेंट के मोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो कंटेंट का जो मेन बेस है वो आपका अपना खुद का नहीं है, ये किसी दूसरे का कंटेंट है। दूसरी बात, इस तरह के जितने भी कंटेंट होते हैं जिन पर लोग स्लोव्ड एंड रिवर्ब तरह के सॉन्ग बनाते हैं, तो जो उसका ओरिजिनल कंटेंट होता है यानी जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसे पहले से ही कंटेंट आईडी मिला हुआ होता है जो कि यूट्यूब पर रजिस्टर होता है। और जैसे ही आप अपना स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, अब क्योंकि वो सॉन्ग ऑलरेडी उसका जो कंटेंट आईडी है वो रजिस्टर हो चुकी है, तुरंत ही आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और इस तरह की आप जितनी ही वीडियो अपलोड करते जाएंगे सब पर आपको लाइन से कॉपीराइट क्लेम आता दिख जाएगा। तो डेफिनेटली पहली बात तो इस तरह का जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पूरा कंटेंट है वो 100% कॉपीराइट पर बेस्ड है, और आप उसमें जो एफर्ट भी लगा रही हो वो इसके लिए जस्टिफाई नहीं करता कि उसमें आपका कोई क्रिएटिव पोर्शन है या आपका कोई क्रिएटिव पार्ट है। स्लोव्ड एंड रिवर्ब सॉन्ग्स में आपको जो भी एफर्ट देखने को मिलते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इसके लिए कि आप उसे अपना ओरिजिनल कंटेंट प्रूफ कर सको। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि जो स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक होते हैं वो यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होते हैं। जो भी यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलते हैं भले ही उन पर एड्स चल रहे हों वो मोनेटाइज नहीं होते हैं। एड्स चलने के यहाँ पर दो रीज़न होते हैं, पहला तो उन पर कॉपीराइट क्लेम होता है इस वजह से एड्स चलते हैं, दूसरा YouTube की एक पॉलिसी भी है कि जितने भी YouTube चैनल जो कि अभी तक मोनेटाइज नहीं है उन पर भी एड्स देखने को मिलेंगे, उन पर भी एड चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो अर्निंग है वो क्रिएटर को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अर्निंग जो है वो यहाँ पर YouTube रखेगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लोग इतने सारे YouTube चैनल बनाते क्यों हैं। डेफिनेटली स्लोव्ड एंड रिवर्ब म्यूजिक जो है वो हम सभी लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन लोग YouTube चैनल बनाते हैं व्यूज़ के लिए और एंगेजमेंट के लिए, और उसके बाद कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे थोड़ा बहुत वो पैसे कमा लेते हैं स्पॉन्सरशिप वगैरह करके, पेड प्रमोशन वगैरह करके, या फिर थोड़ी बहुत एफिलिएट लिंक वगैरह अगर वो यहाँ पर ऐड कर पाते हैं, या कुछ प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर डाइट वो प्रमोट कर पाते हैं, तो इस तरह से जो है वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। बाकी इसके अलावा मोनेटाइज नहीं होता है चैनल, ना ही मोनेटाइजेशन के कोई चांस होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।